बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कश्मीरी रोगन जोश की रेसिपी। दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक रेसिपी यू कैन गेट ऑन माय चैनल। आप इसको जरूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सईद फ्रूज कुकिंग। क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1.25 kg मीट। मीट को हम अच्छे से वॉश करेंगे। वो हमने अच्छे से वॉश किया है। अब हम एक पॉट में 1 से 2 kg पानी लेंगे और इसको गैस पर रखेंगे। पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे मटन। चम्मच से इसको हिलाएंगे ताकि जो मीट है वो सारा पानी के नीचे चला जाए, और वेट करेंगे इसके उबाल आने का। इसमें उबाल आ गया है, जो इसमें सिकम ऊपर आया है इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज होती है, इसको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम इसमें डाल देंगे 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स, 1 टेबलस्पून नमक। इसको कवर करेंगे और कुक करेंगे इसको। अब इसका मटन स्टॉक तैयार होगा। ये आप देख सकते हैं मटन स्टॉक तैयार हो गया है और मटन भी 50% तक पक चुका है। मटन को बाहर निकाल के एक सेपरेट बाउल में रखेंगे और स्टॉक को स्ट्रेन करेंगे ताकि इसमें से जो भी गार्लिक वगैरह होगा वो बाहर निकालेंगे। मटन और स्टॉक को वापस पॉट में डाल देंगे। अब इसमें जाएगा 2 से 3 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटे चम्मच हल्दी के, 1/2 छोटी चम्मच अदरक पाउडर, 1 चम्मच फेनल पाउडर, 3 से 4 छोटी इलायची, 1/2 चम्मच। अब हम इसको कवर करेंगे और कुछ देर तक और पकाएंगे। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम 1 कप मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और इसको गर्म करेंगे जब तक ना इसमें से स्मोक निकल आए। हमारा रेडी है, अब हम इसको डाल देंगे मटन में। यहाँ पर हमने 2 बड़ी चम्मच तेल के डाल दिए हैं। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। इसमें जाएगा आप चिली पेस्ट, इसको हमने पहले से ही बना के रखा था। 2 चम्मच पानी और 2 चम्मच चिली पाउडर को डाल के हमने इसको बनाया था। अब हम इसमें डालेंगे प्रॉन यानी शैलट्स का पेस्ट 1 से 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास प्रॉन नहीं है तो आप प्याज का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद 50% तक पकाएंगे और वेट करेंगे जब तक ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। मटन हमारा गल चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे कॉक्सकॉम का कलर, या आप कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं, बट इट इज़ टोटली ऑप्शनल। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ वाजवान में इस्तेमाल होता है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा दिखे। ये देखिए हमारा रोगन जोश बनके तैयार है। आप इसको हॉट राइस, रोटी या नान के साथ खा सकते हैं, बट इट्स टेस्ट इज बेस्ट विथ राइस। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। यू कैन सेंड एन ओनली इमोजी टू सपोर्ट माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।